बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। अल्लाह ताला के फजल के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी स्टार्ट। और ये देखें जी, शेख अहमद साहब आ गए हैं। सुबह सुबह हमें ज्वाइन कर लिया और हम आ गए हैं मिस्त्रियों को देखने के लिए। क्यों जी मिस्त्री साहब, ठीक जा रहा काम? मिस्त्री साहब जी काम लै गए ने छतां ते, बल्कि छत दे नज़दीक ही लै गए ने काम। इधरों बरामदा सारा बड़ा रेडी हो गया। एक दो दिन दे विच काम हो रहा। कल फैसलाबाद तू आ गए सा, तो फिर व्लॉग नहीं सी कीता। मैं कहा चलो सुबह ही करांगे। हाँ जी अहमद साहब, देखे जी लो जी ए प्रोग्रेस से, फिर नाल नाल तुहानू वहांदे रहांगे जो जो करते रहे। असीं आ गए जी शुदेव दा पेंट वेखण। शुदेव साहब सुते हैं। शुदेव उठा नहीं, वेख्या नहीं? अच्छा अच्छा, आज फ्रंट कर दोगे? चल इंशाल्लाह। देखो जुगाड़ सिस्टम कैसा लाया है पाकिस्तानी वाला। अहमद सही काम हो रहा? सही काम, बढ़िया। जे कि खराबी है तो मैं दस दे, उठे डका दिए अंकल रिजेक्ट कर छड़े साडे लो तो ठीक है। अच्छा चलो चलो साहब आज चलिए वैसे ही प्यारे लगते ने। हाँ जी जी असि फातिया आए हाँ, दिखे कि फॉर्म भी नाल विखी जाइए, खुला निज़ाम ऐसे ही बना के ना, खुरली छुरली तो निज़ाम बनाना इंशाल्लाह। जवेद साहब साढ़े से गिफ्ट लैके आए जी ऐनक सऊदी अरब तो, उन्हें तो सूफी साहब दे दे तो नवी ऐनक अता की जाती। ओह माय गॉड, ये पूरी बाइक वाली ऐनक है। सारे अस समान लैन चलिए शहर। अमन शाह आ गए? चलो गेट बंद कर दिए? नहीं गेट बाद च बंद करने हैं, तुसी अपना पहचान ली गल करो। बोला बोला क्योंकि सूफी साहब कोई शहर कोई चीज मंगानी तो दस दियो। चलो ये जी हमारे गांव का रोड और गांव के रोड के साथ है साढ़े पिंड का इंटरचेंज, गोजरा इंटरचेंज। पलियां के पकौड़ियां अच्छा ते ओ दे दियो फिर हाफ के जी कर दियो। हमारे गोजरे की बड़ी सौगात है, गोजरा की सौगात मंद बर्फी।
हाँ जी हम ले लेंगे जी फ्रूट चाट वास्ते फ्रूट। हाँ जी भाईजान की हाल है, की रेट छेड़ दे तरबूजे का? की रेट 200 रुपये किलो। ते केले का? केला 200 रुपये दर्जन। अच्छा हाँ जी फ्रूट चाट वास्ते ले लेंगे जी फ्रूट। यार दाग लेना भाई। हाँ कट दियो जेड़ा अहमद साहब आंदे ना भाई, अहमद साहब करा लो सही चेंज कर दियो। अच्छा डेढ़ दर्जन केले, डेढ़ किलो तरबूजे और बस थैंक यू। यार साढ़े गोजरे को नवी चीज आ गई 90 वाली सेल, इतनी महंगाई के दौर में 90 वाली सेल। हां जी चला भाई गल निकली ना बिच होना के उतार कर दे। हां जी किलो देना की रेट दही दा? कितना? 190। अंकल असी भी दुआव दे के धार करा लिए हाँ जी फ्रूट भी ले लिया, क्यों अहमद फ्रूट भी ले लिया, सारा कुछ ले लिया। तो अब चलते हैं जी वापसी, जाके पढ़नी है नमाज असर की, फिर आपको इफ्तारी दिखाते हैं, बड़ी मज़े की प्लेस नेचुरल ब्यूटी के ऊपर इफ्तारी आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। चलो जी लेट्स गो। ਸਾਡਾ ਇਹ ਛੱਤਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਕੰਮ ਪਹੁੰਚੇ ਛੱਤ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਸੇਵ ਜੀ ਮੈਨੇ ਫੌਜ ਲਾਈ ਪੂਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਓਏ ਹੱਥ ਬਚਾਇਓ ਮੁੰਡਿਓ ਇਹਦੇ ਕੋ ਹੱਥ ਬਚਾਇਓ ਆਪਣੇ ਬਈ ਓਏ ਇਹ ਮੁਰਗੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ ਕਿਸਾਨ ਫਾਰਮ ਵਾਸਤੇ मैं बयान रिकॉर्ड कर ला ना बाद ना। हाँ जी हाफिज साहब आ गए तुसी माशाल्लाह जी सामने। हाफिज साहब जी इफ्तारी की पूरी तैयारी करके आ गए ने ते हाँ जी तैयारी है जी इफ्तारी दी जी तैयारी है ठीक है माशाल्लाह। अलहमदुल्ला जी अलहमदुल्ला जी आज असी इफ्तारी करांगे जी अपने डेरे एक नेचुरल ब्यूटी च बह के। हाँ जी अहमद साहब ठीक है माशाल्लाह व्यू है जी अलहमदुल्ला जी आज असी इफ्तारी बड़ी बेहतरीन जगह ते आ कर रहे हैं जी अपना खेतों के बेच आ के बड़ी खूबसूरत ग्रीनरी वाला माहौल क्यों शदेव साहब जी बिल्कुल जी सब दोस्त आ गए ने ते वेट कर रहे हैं अजान का माशाल्लाह जज़ाकअल्लाह जी अल्लाह ताला खैर फरमाए आज 13वां रोज़ा सी और अल्लाह ताला सब नु तौफीक दे के सारे रोजे रखो आमीन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह जी आज से इफ्तारी रेडी हो गई क्यों हाफिज़ साहब जी जी बिल्कुल माशाल्लाह टाइम करीब ही है। अब सब कितने रोजे हो गए ना आज 13वां रोजा है माशाल्लाह गुजर गया
15ਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ ਰੋਜ਼ੇ ਤੁਹਾਡੇ 15ਵਾਂ ਸਾਊਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਉਣਾ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا الله پاک ہم نے آج کا روزہ رکھا یا اللہ پاک رمضان کریم کے صدقے یا اللہ پاک ہمارے تمام سجدہ وغیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ پاک اور آئندہ تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ پاک تمام کو صحت کاملہ عطا فرما اور ماں باپ گھر بار میں اللہ پاک خیر و عافیت عطا فرما خیر و برکت عطا فرما رزق میں عمل میں اللہ پاک برکت و رحمت عطا فرما کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے قسم مجبور کی و صلی اللہ تعالی علی محمد و علی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ 13ਵਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਇਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਤਾ ਫਰਮਾਏ ਆਮੀਨ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاہ حی علی الصلاہ حی علی الفلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ الحمدللہ جی الحمدللہ اللہ دے فضل و کرم دے نال افطاری کر لی ہے تے ہن نماز پڑھ کے تے ہن واپسی تیاری ਘਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਹੋਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਮੋ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਰੀਖ ਹਾਂਜੀ ਤਾਰੀਖ ਬਾਅਦ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਅੱਜ ਸੰਡੇ ਤੇ ਸ਼ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਿਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਵਾਪਿਸ ਹਮ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰਯਾਰ ਆਈਸ ਬਾਰ ਪੇ ਹਾਂਜੀ ਕੈਸਾ ਹੈ ਰਿਵਿਊ ਤਾਂ ਦਿਓ ਸਭ ਅੱਛੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਸ਼ਦੇਵ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੀ ਆਫ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਵਾਪਸੀ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਘਰ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਲੋਗ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ 'ਤੇ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਆ ਸੁਬਹਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਟੋਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਤਬ ਤੱਕ ਕੇ ਲਈ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼